जो रास्ते में आप खुद अभी आए हैं तो आपने देखा होगा उनकी उनके लिए और दुकान वाले लोग को ना सबको ग्रुप में मैसेज डाल के और हमारे आदि साहब लोग अपील कर दिया हम लोग बाइक नहीं ला रहे सामने जो रिंग रखता रहेगा हाँ सामने जो इनको बोलते उनके रिजर्व में दे देंगे खड़ा करेंगे गुलाब पार्क में आपने विजिट किया है कुछ दुकानदारों की कम्प्लेंट थी उसके तौर पे आपने आज विजिट किया तो क्या बोलना चाहेंगे दुकानदारों को क्या समस्या रिजवान भाई और पूरी दुकान जितने भी दुकानदारों के एसोसिएशन है उनकी बहुत सारी सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की उन लोग रमजान का मुबारक महीना आ रहा है उनका ऐसा बोलना है कि यहाँ पे लोगों के पास पार्किंग की जगह नहीं है अब पार्किंग की जगह नहीं होने के कारण लोग रास्ते में बाइक लगा रहे हैं और रास्ता छोटा हो रहा है और ये गुलाब पार्क मार्केट में पूरे मुमरा कौसा से लोग आ रहे हैं तो इसीलिए हम लोग ने आज मशवरा किया पार्किंग की जगह देने के लिए मैंने उनको बोला कि रमजान के एक महीने के लिए आपको टेम्पररी कुछ जगह में रिजर्व करके देता हूँ सामने तरफ ताकि आप पार्किंग लगा सके यहाँ के दुकान जो बाइक खड़ी रहती है और टॉयलेट की और पानी की समस्या है मैं हमारे यहाँ के कॉरपोरेटर सिराज डोंगरे जफर नुमानी और हफीजा नायक उनसे भी मेरी चर्चा करके आवाज सबसे भी चर्चा करूँगा रिजवान भाई को लेकर जाके जितने भी लोग उनसे बात करके मैशर भाई टीम वाले उनसे बात करके जो टॉयलेट है जो टॉयलेट इनके पास है अवेलेबल वो बंद हो चुकी है उस पर कैसे उसको बनाना है क्या करना है बिल्डिंग वाले और इनको बैठ के वो टॉयलेट को चालू करने के लिए क्या करना पड़ेगा तुरंत हम लोग उसको चालू करने की कोशिश करेंगे। सनु भाई यहाँ पर ज्यादा करके महिला यहाँ पर शॉपिंग के लिए आती है उनका इतना कहना है कि यहाँ पर जो धक्कन धुक्की ज्यादा होती है उसके लिए कोई लेडीज वॉलंटियर यहाँ पर तैनात किया जाएगा क्या? देखिए वो लेडीज वॉलंटियर जो है उस तरफ मर्जियाँ ऑलरेडी लगाने वाली है उसका पहले ही अनाउंसमेंट हुआ पूरे रमजान में मैं रिजवान भाई को ये भी बोलूंगा कि वो मर्जिया से कॉन्टेक्ट करेंगे ना उसके वॉलंटियर कुछ 150 है तो 20 वॉलंटियर तो तुरंत एक पहले रोजे से कल से लगने वाले इंशाल्लाह तो एक दो तीन वॉलंटियर लेडीज इधर भी आए ताकि उनके साथ मिलके उनको मदद हो सके रिजवान अहमद शेख गुलाब पार्क शॉपकीपर एंड हॉकर्स यूनियन का अध्यक्ष जैसा कि आप लोगों को हमारे अपोजिशन लीडर शानू पठान साहब ने आपको बताया है हमारी पूरी यूनियन शानू पठान साहब के साथ तन मन धन से है और हमारा ये रमजान का महीना शुरू होने वाला है कल से बहुत बाबरकत और मुबारक महीना है जिसको देखते हुए हमारी पूरी टीम शानू पठान साहब के पास गई थी मार्केट के बीच रास्ते में जो बाइक पार्किंग होती है उसके मुद्दे को लेकर और यहाँ पर एक लेडीज शौचालय की ज़रूरत थी ये मांगनी करने के लिए हम लोग गए थे शानू पठान साहब के घर पे। मैं आपको बता दूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ये मुमरा की मार्केट जो है ये सिर्फ मुमरा की नहीं है गुलाब पार्क मार्केट यहाँ दूर दूर से मार्केट से करने के लिए औरतें और भाई हमारे आते हैं है ना शानू भाई जिनको बहुत तकलीफ होती है रास्ता नहीं है चलने का तो एक जो है हमारा नेक काम था नेक कदम था उसके लिए हमने शानू पठान साहब को गुलाब पार्क मार्केट में लाए जैसा कि हमने देखा होगा पूरे शहर में पूरे गुलाब पार्क नहीं पूरे मुमरा कौसा के शहर में देखा होगा शानू पठान और एक मर्जिया शानू पठान जो खिदमत खल्क में रात दिन मेहनत करती है अपना तन मन धन देती है उसको शौक है उसी शौक का एक मैं भी शौकीन हूँ रात दिन मेहनत करता हूँ तन मन धन से हमारी हाजी साहब लोगों की टीम पूरी यूनियन की हम शहर के और मार्केट की भलाई के लिए क्या काम कर सकते हैं तो शानू पठान साहब मैं आपको बता दूँ मर्जिया पठान शायद मुझे जानती नहीं है मैंने यहाँ से कितनी लेडीज़ को भेजा हूँ जबकि मर्जिया मुझे नहीं जानती पर्सनली मैं उसको जानता हूँ उसने बगैर मेरे रेटनीफाई किए हुए मेरी कई एक माँ बहनों को ना काम करके दिया है अल्लाह जानता है मैं झूठ नहीं बोलता नाम नहीं ओपन करूँगा क्योंकि मैं यहाँ मार्केट में दिन भर रहता हूँ कोई ना कोई आते रहता है भाई मेरा ये काम है भाई मेरा वो काम है लेकिन मर्जिया शानू पठान को तो मैं सलूट करूँगा कि उसको खिदमत खल का जो शौक है जो जज्बा है अल्लाह उसको तरक्की दे और उसकी सेहत में तंदुरुस्ती दे और उसी शौक का मैं भी एक हूँ कि मार्केट की भलाई के लिए क्या काम कर सकूँ शानू पठान साहब से अपने एक्स हाउसिंग मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब से
सैयद अली भाई साहब से, जो हमारे आंदोलन सम्राट हैं, और हमारे जो यहाँ के नगर सेवक हैं जफर नुमानी साहब, हफीजा भाभी, उनकी बेटी नेहा नाइक, सब लोगों की हमारी एक टीम है। सिराज डोंगरे साहब, शमीम खान साहब, हमारी एक टीम है और हम लोग मिलजुल के एक मार्केट की भलाई के लिए काम करते हैं, और जिससे हमारा शहर और हमारी मार्केट का नाम हो अच्छा, मैं यही चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखना। शानू भाई के ऊपर हमको पूरा भरोसा है। शानू भाई आगे बढ़ो।